हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं सुख शांति के पौधे की, जिसको जस्टिशिया भी कहते हैं। इसकी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। तो आज मैं इसका अपडेट देने वाली हूँ, रिजल्ट देने वाली हूँ। इसको 2 वीक्स हो गए हैं, मैंने 2 वीक्स पहले इसको लगाया था। आप ये देख सकते हैं कि इसकी ग्लास से ही ये जड़ें हैं, ये दिखने लग गई हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इसकी ग्लास में से ही जड़ें दिखने लगी हैं, ये देखिए। तो आज मैं इसका शेयर करूंगी कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसको बुशी प्लांट कैसे बना सकते हैं अगर आपने इसे कटिंग से लगा लिया है और इसकी जड़ आ गई है। तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था, तो उस तरीके से ये उसका ही प्लांट है जो मैंने लगाया था। तो उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि मैंने कैसे लगाया था, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखभाल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी देखभाल करना चाहते हैं, इसकी पत्तियाँ थोड़ी पतली पतली सी होती हैं और ये देख सकते हैं आप, इसकी न्यू लीव्स भी आ गई हैं। ये देखिए, इसमें भी आ गई न्यूली। मैंने 2 ही ये कटिंग्स लगाई थी और 2 ही अच्छे से चल गई हैं मेरी ये कटिंग्स। अब सबसे पहले हम इसकी देखभाल की बात करते हैं। देखभाल में सबसे पहले आती है मिट्टी। मिट्टी इसको ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन उसमें थोड़ी नमी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पौधे को पानी ज़्यादा सूखी ही मिट्टी हो और पौधा बढ़ ही ना पाए, तो इसलिए आप मिक्सचर बना लें या फिर आप पोटिंग सोयल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप 25% सोयल लें, गार्डन सोयल 25% ही आप रेत लें। 25% आप कोको पिट ले सकते हैं या राइस हस्क ले सकते हैं, और 25% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरह की मिट्टी तैयार करना चाहते हैं, तो आप 50% आप गार्डन सोयल लें, 30% आप वर्मी कंपोस्ट ले, जो भी खाद वगैरह आप डालना चाहते हैं, और 20% आप रेत ले सकते हैं। तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। तो आप इस तरीके से बनाएं और इस पौधे को लगा दें अगर ये जड़ वाला पौधा है। अब हम बात करते हैं इसको पानी कितनी ज़रूरत होती है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब इसकी अगर आप इसे देना ही चाहते हैं पानी, तो आप इसकी जो मिट्टी को पहले चेक करें कि अगर वो थोड़ी थोड़ी यानी उसमें नमी है, तो उसको पानी ना दें। अगर जो मिट्टी है वो सूख गई है, तब इसे पानी दे दें, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो आप जो पौधे की पत्तियां हैं वो थोड़ी सड़ने लगती हैं। अगर आप ज़्यादा पानी भी दे देते हैं या आप इसको ज़्यादा धूप में रख देते हैं, तब भी इसकी पत्तियाँ हैं जो थोड़ी पीली पीली सी पड़ने लग जाती हैं। ये मैंने इसमें रखा हुआ था, इनडोर रखा हुआ था मैंने ब्राइट लाइट में। तो अब हम बात करते हैं इसको धूप की कितनी ज़रूरत होती है। इसको वैसे तो सर्दियों में तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना अच्छा है, लेकिन इसको धूप से बचाएं अगर सर्दियों की बात करें। गर्मियों में इसे धूप में रख सकते हैं, लेकिन इसे नियमित रूप से अच्छे से इस पर स्प्रे करें वाटर की, और इसको धूप में रखें, या फिर आप सुबह सुबह की धूप लगवा सकते हैं, 3 से 4 घंटे की धूप लगवाएं। फिर इसको आराम से आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं अगर आप इसे इनडोर रख रहे हैं। इससे वाइट वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आपने देखे होंगे। अगर आपके पास ये प्लांट है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो मार्च अप्रैल के बीच में इसके छोटे छोटे फूल आते हैं वाइट कलर के। अब हम बात करते हैं कि ये इसको कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। अगर हम फर्टिलाइज़र यानी अगर इसमें मिली बग्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो मिली बग्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं। ये आप सभी प्लांट्स पे कर सकते हैं, ओनली इस पे नहीं। आप 15 से 20 दिनों बाद आप नीम ऑयल की स्प्रे करें किसी भी पौधे पे। आपकी कोई मिली बग्स नहीं लगे, कोई भी कीट पतंगे नहीं लगेंगे, ना ही मिली बग्स लगेगा, ना ही फंगस लगेगी अगर आप नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप लूसन की जो कली होती है, लूसन की कली लेके उसको अच्छे से कूट के उसको पानी में उबाल लें, और उसमें थोड़ी थोड़ी मिर्ची डाल दें। अगर कोई पौधा लग ही गया जिसमें मिली बग्स लग गए हैं, तो उस पर स्प्रे कर दें, उसको रात के लिए रख दें भिगो के, और सुबह उसको पानी किसी बोतल वगैरह में डाल के उस पर स्प्रे कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सब की देखभाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अपडेट की। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी
कितनी अच्छे से इसकी ये जड़ आई है, ये देखिए, और रेत में अच्छे से जड़ पकड़ती है ये कटिंग, तो इसलिए मैं आपको रेत में लगाना प्रेफर करती हूँ। अभी इसको 2 ही वीक्स हुए हैं, देखिए कितनी अच्छे से इसकी जो रूटिंग है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अब मैं इसको पॉट में लगाऊंगी, इसको ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है, 6 से 7 इंची पॉट में लगाएं। और इसकी, हाँ, इसको अगर बुशी करना चाहते हैं तो आप इसके अभी से प्रूनिंग शुरू कर दें करना, इसकी जो ऊपर वाली लीफ है वो उतार दें। एक जो पॉट में एक ही पौधा लगाएं, क्योंकि मैंने दो थोड़ा इसमें आपको दिखाने के लिए लगाए हुए थे कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो इसको अलग अलग ही लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें हैं, देखिए अभी से इसमें ही इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो पॉट में कितनी बड़ी हो जाएंगी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं रेत में, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है। मैंने पिछली वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में दे दिया है, वो जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से कि मैंने कैसे लगाया था। और ये वीडियो भी आप जरूर देखिए, इसमें मैंने इसका अपडेट दे दिया है, ये 2 वीक्स बाद का अपडेट है। देखिए कितनी जल्दी इसकी इतनी बड़े बड़े जड़ें आ गई हैं। और हाँ, ये देखिए, अगर हम इसकी जड़ों की बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं वो नोड एरिया से आई हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर ये देखिए इसकी जो नोड एरिया, वहीं से ही जड़ आ रही है। ये देखिए, ये इसका, इस पर कम से कम 3 नोड एरिया है, ये देखिए, और वहीं से इसकी जड़ बनना स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, इस पर नोड एरिया ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ये मिट्टी में नहीं दबा हुआ था, ऊपर वाला जो एरिया है ये देखिए, और इसका नीचे वाली ये जो नोड एरिया थे, यहाँ से इसकी जड़ आ गई है। तो अगर आप इसको प्लांट को लगा रहे हैं, इसकी कटिंग लगा रहे हैं, तो नोड एरिया ज़रूर छोड़ें नीचे वाली साइड। देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से आप ये पौधा बना सकते हैं। बाजार में ये महंगा बिकता है, 50-60 रुपये का ये पौधा आता है, अगर आप इसको बाजार से लेते हैं तो क्यों ना आप इसे कटिंग से ही लगा लें। और इवन 2 वीक्स में ही देख सकते हैं आपके रिज़ल्ट, आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं 2 वीक्स में। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो भी मैंने प्लांट्स बताए हैं आपको, वो कटिंग से ज़रूर लगाएं, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं और किस किस का रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरे को सभी प्लांट्स के अपडेट भी दें, मैं भी आपको सभी प्लांट्स के अपडेट जरूर दूंगी। ये मेरी सेकंड अपडेट है जो मैं आज आपके साथ शेयर की है। बाकी मेरे तो मैंने सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में दे दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अब तो अपडेट ही दूंगी, क्योंकि मैंने जो जो प्लांट लगाए हैं मैं सभी के अपडेट अब देने वाली हूँ। मैंने अभी मनी प्लांट का अपडेट दिया था, अब ये सेकंड अपडेट है जो सुख शांति का पौधा है। तो आप इसे घर में ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा पौधा है, सुख शांति लेकर आता है घर में।